नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के 4 नेशनल हाईवे बनाने का रास्ता हुआ साफ। उत्तर बिहार के 6 जिले में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। बारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक में आज से शुरू है नामांकन। लालू यादव ने कोर्ट से मांगा समय। प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में बड़ी गड़बड़ी के बाद 3 दर्जन इकाई की मेरिट लिस्ट हुई रद्द। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में बाढ़ को लेकर बने विशेष निगरानी की टीम। राज्य में कोसी, गंगा, गंडक, सोन समेत अन्य कई नदियां उफान पर है। इसे लेकर कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ प्रबंधन के लिए जल संसाधन विभाग की तरफ से विशेष निगरानी की टीम बनाई गई है। खास करके पटना, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार और बेगूसराय में 3-3 वरिष्ठ अभियंताओं की 6 टीमें बनाई गई है, जो कि इन क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी को देखेंगे। बताते चले कि गंगा नदी उफान पर बह रही है। बीते दिन शुक्रवार को बक्सर में नदी का पानी खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर अधिक था, तो वहीं साहिबगंज में 107 सेंटीमीटर अधिक था। दूसरी तरफ कोसी का कहर कटिहार के कुर्सेला और खगड़िया जिले में दिख रहा है। कमला बलान, बागमती नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। उत्तर बिहार के 6 जिले में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। बिहार में मानसून अब धीरे धीरे बेअसर हो रही है। मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय के तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर गई है। साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर बिहार की ओर बना हुआ है। इन सब के प्रभाव से उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को जारी किया गया है। जिन जिलों में चेतावनी जारी की गई है उनमें उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज और अररिया जिले शामिल हैं। यहां अगले 24 घंटे के दौरान मेघ गर्जन के साथ साथ भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। साथ ही पूर्वी चंपारण, सुपौल और पूर्णिया में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग में भी अधिकांश जगहों पर हल्की से बीच की बारिश हो सकती है। सृजन घोटाले के एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी। बिहार के चर्चित घोटाले सृजन में सीबीआई की कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ लिया है। इस क्रम में घोटाले में संलिप्त पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद एक और आरोपी रूबी कुमारी को न्यायिक आदेश के बाद जेल में बंद कर दिया गया है। बताते चले कि सीबीआई ने गुरुवार को ही घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया के साथ ही पूर्णेन्द्र कुमार, सतीश कुमार झा, सीमा देवी, रूबी कुमारी, जसीमा खातून, अपर्णा वर्मा और राजरानी वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इनमें से पूर्णेन्द्र कुमार और रूबी कुमारी सीबीआई की गिरफ्त में आ गए हैं। बाकी के लोगों को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बताते चले कि भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले में अरबों रुपए के घोटाले का मामला है। पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक में आज से शुरू है नामांकन। पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए काम की खबर है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECEB ने पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक में आज से एडमिशन को शुरू कर दिया है। इसके लिए छात्र इंटरमीडिएट स्तरीय पारा मेडिकल, माध्यमिक स्तरीय पारा पॉलिटेक्निक और 4 वर्षीय पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक में नामांकन करने के लिए आवेदन को खोल दिया गया है। एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 4 सितंबर तक है। आवेदन के लिए छात्र छात्राएं www.bceceboard.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि फॉर्म भरने के बाद छात्र किसी भी प्रकार की गलती होने पर 8 से 10 सितंबर तक सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड व परीक्षा की तारीख को बाद में जारी किया जाएगा। बिहार के 4 नेशनल हाईवे बनाने का रास्ता हुआ साफ। बिहार के 4 नेशनल हाईवे के लिए जमीन का मामला सामने आ रहा था, जिसमें फारबिसगंज, जोगबनी, फोरलेन, किशनगंज का एलिवेटेड रोड, मुंगेर रेल सड़क पुल का 2 लेन अप्रोच रोड और गोपालगंज छपरा 2 लेन सड़क शामिल है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब इस मामले को सुलझा लिया गया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में 4 नेशनल हाईवे बनाने का काम इस साल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 6 लेन कोइलवर पुल का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। इसमें से 3 लेन पर आवागमन शुरू हो चुका है। वहीं 3 लेन पर आने वाले समय में आवागमन शुरू होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इन सड़कों के बन जाने से किसी भी हिस्से से 5 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो जाएगा। गंगा की उभरती धारा ने रेलवे की बढ़ाई मुश्किलें। सूबे में गंगा नदी के उफान से रेलवे की भी समस्या बढ़ी है। कई हिस्सों में गंगा नदी का पानी के दबाव के बढ़ने से रेल पटरियों पर चलती ट्रेनों की रफ्तारों को धीमा कर दिया गया है। इस क्रम में खास करके गंगा के आसपास या फिर उसके नदी पर बने रेल पुल पर वहां सावधानी जारी की गई है। इन जगहों पर गुजरने को लेकर घंटे 20 से 30 किलोमीटर रफ्तार को कर दिया गया है। इसे लेकर साहिबगंज से भागलपुर के बीच एकचारी, लेलक, सबौर, भागलपुर के बीच मसाडू, घोगा और भागलपुर से जमालपुर के बीच चंपानाला, मुरारपुर, कल्याणपुर, गनगनिया, खड़िया, पिपरा, बड़ियारपुर, ऋषिकुंड हाल्ट के पास सावधानी को जारी किया गया है। इन रेलखंडों से होकर ब्रह्मपुत्र मेल, हावड़ा गया एक्सप्रेस, हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों की रफ्तार को घटा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने 30 इंस्पेक्टरों का किया तबादला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने
बीती देर शाम को बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टरों का तबादला घोषित किया। इस आदेश के साथ ही कुल 30 पुलिस निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। इनका स्थानांतरण सूबे के विभिन्न जिलों में किया गया है। इनमें से कई अधिकारी विशेष शाखा और आर्थिक अपराध इकाई में तैनात थे। इनमें से कुछ अफसरों की तैनाती फील्ड में तो कुछ को जिला पुलिस महकमे में तैनात किया गया है। इनमें एक दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग जिला पुलिस बल में की गई है, जबकि कुछ की तैनाती ईओयू निगरानी मद्य निषेध और रेल विभाग में की गई है। गया के छात्र अमन नागसेन का आज हुआ अंतिम संस्कार। करीब 21 दिनों के बाद बिहार के गया निवासी छात्र अमन नागसेन का शव बीते दिन उनके पैतृक गांव में पहुंचा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से पूरा गांव शोक में डूबा है। बताते चले कि गया के रहने वाले अमन की जान चीन में ले ली गई थी। वहीं इस मामले में उनके परिजन ने केंद्र सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिलने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि छात्र अमन नागसेन चीन के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, जहां 23 जुलाई को ही उनकी हत्या कर दी गई थी। प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में बड़ी गड़बड़ी के बाद 3 दर्जन इकाई की मेरिट लिस्ट हुई रद्द। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने करार रुख अख्तियार किया है और दूसरे चरण की काउंसलिंग की करीब 3 दर्जन नियोजन इकाइयों की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह कदम अलग अलग जिलों के डीएम से सिफारिश मिलने के बाद उठाया है। जिन जिलों की नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया है, उनमें बांका, मधुबनी, कैमूर और दरभंगा जिले शामिल है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसलिंग संबंधी पूरी रिपोर्ट को तलब किया है, जिस पर उच्च स्तरीय समीक्षा होने के बाद अब दोषी नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न जिलों के 1.5 दर्जन बीडीओ के खिलाफ सरकार ने लिया एक्शन। बिहार सरकार अधिकारियों की लापरवाही को सख्ती से ले रही है। इस कड़ी में सूबे के 11 जिलों में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर एक्शन लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन बीडीओ ने लापरवाही के साथ ही सीनियर अफसरों की बातों की अवहेलना की है, जिस कारण से 1.5 दर्जन बीडीओ को अलग अलग तरह से दंड दिया गया है। इस क्रम में पटना के मोकामा के बीडीओ के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं कई अफसरों को निंदन की सजा दी गई है। इसके अलावा भोजपुर, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, मधेपुरा आदि जिलों के अलग अलग प्रखंडों के बीडीओ को सजा दी गई है। लालू यादव ने कोर्ट से मांगा समय। चारा घोटाले के एक मामले में तो राजद सुप्रीमो लालू यादव को थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार मामले में उनकी समस्या कम होती नहीं दिख रही है। इस मामले में बीते दिन सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान लालू यादव समेत 85 आरोपियों ने याचिका दायर कर समय की मांग की थी। इस याचिका में कहा गया है कि वे पिछले आदेश के आलोक में हाईकोर्ट जाएंगे और अपने मुवक्किलों से बात करके बहस की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें समय देकर अब सुनवाई की तारीख को 17 अगस्त को तय कर दिया है। बताते चले कि सीबीआई की विशेष अदालत अब ज्यादा समय सुनवाई में नहीं लगाना चाहती है, इसलिए फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीकों से बहस का विकल्प दिया गया है। सदानंद सिंह का हाल जानने पहुंचे तेजस्वी यादव और सुशील मोदी। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता और 9 बार कहलगांव सीट से विधायक रहे सदानंद सिंह की तबीयत पिछले कई दिनों से बिगड़ी हुई है। उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी के कारण दिल्ली में इलाज करवाया जा रहा था, लेकिन हाल ही में उन्हें एयरलिफ्ट करके राजधानी पटना लाया गया है, जहां निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस कड़ी में भाजपा सांसद सुशील मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर को सांसद सुशील मोदी ने साझा करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की, तो वही तेजस्वी यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर पूर्व विधायक का हालचाल जाना और उनके शीघ्र ठीक होने की कामना की है। उद्योग पर चर्चा को लेकर शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। सूबे बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आज दिल्ली में महामहिम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर बिहार में उद्योगों के संदर्भ में उनसे बातचीत की। इस दौरान वे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिले। इस दौरान राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्होंने बिहार में उद्योगों के विकास के लिए बने बहुत अच्छे माहौल को लेकर पूरी जानकारी को साझा किया और साथ ही कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए तेजी से काम हो रहा है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल भी थे, इस वजह से बिहार से उनका खासा जुड़ाव रहा है। इस मुलाकात में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कई जानकारियां साझा की, जिस पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने खुशी जताते हुए आगे विकास के लिए शुभकामनाएं दी है। राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव करेंगे अपने क्षेत्र का दौरा। बिहार के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव 1.5 महीनों के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित राघोपुर की जनता के बीच जाकर वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। बताते चले कि गंगा सहित कई नदियों के उफान में बहने के कारण निचले जगहों में पानी भर रहा है, जिस कारण लोगों के सामने दैनिक दिनचर्या जीने में भारी परेशानी आ गई है। बताते चले कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने 25
जून को राघोपुर दियारा का दौरा किया था। वहीं बाढ़ की विभीषिका के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद से ही एरियल सर्वे कर रहे हैं। अमेरिका में T20 लीग खेलते नजर आएंगे क्रिकेटर उन्मुक्त चंद। भारत के पूर्व अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद ने बीते दिन शुक्रवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। खबर आ रही है कि अमेरिका में T20 लीग में वे खेलते दिखाई देंगे। वह अमेरिका में माइनर लीग क्रिकेट 2021 में खेलेंगे। इसके लिए उन्मुक्त ने सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर के साथ करार किया है। बताते चले कि वे इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं और लिस्ट एक क्रिकेट में 4500 से अधिक रन बना चुके हैं। अब वह आज मॉर्गन हिल के मॉर्गन हिल आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोकल लैशिंग्स के खिलाफ स्ट्राइकर्स के लिए पदार्पण करेंगे। बताते चले कि माइनर लीग क्रिकेट चैंपियनशिप अमेरिका का राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट है। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि कल स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ यानी कि आजादी के डायमंड जुबली को आप किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।